अमृतसर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने सिद्धू दंपत्ति पर पूछे गए सवाल पर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। वहीं भगवंत मान पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के रिश्ते चरमपंथियों के साथ होने की बात कही और साफ साफ कहा कि आप नेताओं के संबंध सरपत खालसा के नेताओं से भी हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर पहुंचे और दरबार साहिब में मत्था टेका, परिवार की ओर से अखंड पाठ के भोग डाले गए। रणनीति 2017 सरकार अकाली दल बीजेपी की है। पंजाब कांस्टेबल भर्ती में डोप टेस्ट का उप मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है और कहा कि सब डोप टेस्ट करवाएं ताकि पंजाब को नशे के मामले में बदनाम कर रहे लोगों को जवाब मिल सके। आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस लैप्स भगवंत मान की जड़ी उन्होंने की है। मैं वड्डी कहना है आम आदमी पार्टी दे बहुत ज्यादा क्लोज लिंक्स रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। डोप टेस्ट पर बोले सुच्चा सिंह छोटेपुर, सभी उम्मीदवारों का हो डोप टेस्ट। पंजाब दे विच बहुत वड्डा यूथ आ, जे इन्हां दे नशे वाले की गिणती डोप टेस्ट करने की गल नहीं करनी है। दो साल तो जिन्हां एफ आई आर ने वो देख लैन किन्नियां कि पंजाब च लाज हुई नशे दी, जेलां दे विच किन्ने बंदे फड़ के दित्ते आ नशे वाले उन्हां दी गिणती कर लै। आज ड्रॉप टेस्ट की यह गल करते हैं, सब तो पहले तो जो बीजेपी अकाली दल ने 117 कैंडीडेट खड़े करने हैं, पहले उन्होंने ड्रॉप टेस्ट करा लैन ताकि ये पता लग जाए इस गल वास्ते कि अकाली दल दे विच किन्ने लोग हैं। अमृतसर के गांव जहांगीर गुरुद्वारा में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे। सानू कल इतलाह मिल गई, पंचायत वालों रात समय मौके पर आ गए थे, ग्रंथी के बयान से अं एफ आई आर दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। हाँ जी, सिंह सेवा कर दी, पर इस समय दौरान ही किसी शरारती अंसर ने अंदर जाके शरारत की है। असं सवेर के तफ्तीश लगे हैं, जल्दी दोषियों का पता ला लें जी। गुरुद्वारे साहब कुछ शरारती अंसर वालों गुरु ग्रंथ साहब जी के अग खदेड़े गए। संगत इतने बीबिया सेवा करके गई, 12 बजे ना चल गई घर, तो समा का कोई पक्का पता नहीं भी कि समय के होया है। पंजाब सरकार की स्कीम्स के बारे में लोगों से फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, टेलीफोन के जरिए कर रहे हैं बातचीत। कांग्रेस ने बताया ड्रामा, आम आदमी पार्टी ने कहा हमारी कॉपी है। जलंधर में हल्के विच कैप्टन मुहिम के तहत लोगों से सीधी बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। दाना मंडी में दलित अत्याचार के खिलाफ भी होगा प्रदर्शन। फतेहगढ़ साहिब में आज आम आदमी पार्टी की बैठक, सांसद भगवंत मान और गुरप्रीत सिंह घुग्गी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। मिशन 2017 को लेकर होगी चर्चा। लुधियाना की 15 साल की छात्रा जानवी बहल का ऐलान, 15 अगस्त को श्रीनगर के लाल चौक पर फहराएंगी तिरंगा। आतंकी हाफिज सईद को दी चुनौती। चंडीगढ़ के टूरिज्म विभाग और रनर चंडीगढ़ की तरफ से रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 अलग अलग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे होम सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर सुखना लेक से रवाना किया। इस मौके पर मैराथन में चंडीगढ़ के एसएसपी समेत चंडीगढ़ प्रशासन के अलग अलग विभाग के अफसरों ने शिरकत की। होम सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे और भी प्रोग्राम करवाए जाएंगे। चंडीगढ़ रनर्स और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉइंटली नाइट रन ऑर्गेनाइज किया है, इसके आगे फुल मैराथन का भी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइक्लोथॉन साइकिलिंग, सो वी आर फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स
and we want to promote Chandigarh as a city of healthy lifestyle. हिसार में विश्व हिंदू परिषद की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम करवाया गया। इसमें नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पौधारोपण किया। हिसार के प्राचीन रिद्धि सिद्धि श्री हनुमान मंदिर में वृक्षारोपण और संकल्प दिवस मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद की हिसार इकाई की ओर से करवाए गए इस कार्यक्रम में डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डॉक्टर चंद्रा ने यहां कचनार का पेड़ लगाकर पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर आम, जामुन और पिलखन के पेड़ भी लगाए गए। हरियाणा के नए मंत्रियों को मिले विभाग। विपुल गोयल के कंधों पर होगी उद्योग, पर्यावरण और तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी। मनीष ग्रोवर संभालेंगे सहकारिता और स्थानीय निकाय विभाग। बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य और अक्षय ऊर्जा विभाग की दी गई जिम्मेदारी। कैप्टन अभिमन्यु से वापस लिए गए चार विभाग। ओपी धनखड़ अब सिंचाई नहीं खनन देखेंगे। रामलीला शर्मा से सिविल एविएशन तो अनिल विज से वापस ली गई चुनाव की जिम्मेदारी। हरियाणा के आखिरी गांव कालुआना की पंचायत ने एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। गांव में बेटियों को बचाने के लिए पंचायत में सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक गांव में प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाने वालों की सूचना देने पर 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दो बेटियों के बाद नसबंदी करवाने वाले दंपत्ति को भी 11,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यमुनानगर में भारी बारिश से जलमग्न हुए कई इलाके। घरों में घुसा पानी। नेशनल हाईवे पर फंसी गाड़ियां। घुसाए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। सोने की चेन लूटने वाले आरोपी को पकड़ने की कोशिश करने वाली बहादुर लड़की को गुड़गांव पुलिस ने किया सम्मानित। इनाम के तौर पर दिए 5,000 रुपए। आतंकी गतिविधि के मद्देनजर फरीदाबाद में कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस सख्त। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। तिब्बती युवा कांग्रेस के राष्ट्रपति तेंजिंग जिगमे का बयान। कहा चीन नहीं चाहता कि भारत का तेजी से विकास हो। तरनतारन पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। सरगना समेत दो गिरफ्तार। चोरी की 10 मोटरसाइकिल्स बरामद। फरीदकोट में एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। गैर कानूनी तरीके से चल रही थी फैक्ट्री। चंबा में पिछले कई सालों से शहर में बढ़ रही यातायात की मुख्य वजह रही चंबा बस स्टैंड के पुनर्निर्माण का काम अभी तक नहीं हो पाया है। लंबे समय से स्थानीय लोग पुराने बस स्टैंड को शिफ्ट करने की और नए बस स्टैंड को बनाने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में नगर निगम के स्टडी टूर को लेकर छिड़ा विवाद। कुछ पार्षद स्टडी टूर के लिए तैयार तो कुछ बता रहे हैं फिजूल खर्ची। अठारह साल के नीरज चोपड़ा ने भारत को पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया है। पानीपत के रहने वाले नीरज ने अंडर 20 चैंपियनशिप में भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नीरज ने पोलैंड के बेडगोज में हुए मुकाबले में 86.48 मीटर तक भाला फेंका। पहले ये रिकॉर्ड लातविया के जिगीमुंस सिमेयर्स के नाम था, जिन्होंने 44.69 मीटर भाला फेंका था। पीएम मोदी ने गोल्ड जीतने पर नीरज को बधाई दी है। रियो ओलंपिक शुरू होने से पहले ही भारत को बड़ा झटका लगा है। 74 किलोग्राम वर्ग के पहलवान नरसिंह यादव डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं। 5 अगस्त के शुरू होने वाले रियो ओलंपिक से पहले ही भारतीय ओलंपिक के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। यादव ने ओलंपिक का कोटा हासिल किया था, लेकिन बाद में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच ओलंपिक जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और
अदालती लड़ाई के बाद नरसिंह यादव को जाने की इजाजत मिल गई थी। भारतीय हॉकी टीम करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों के साथ रियो के लिए रवाना हो गई है। इस बार भारतीय टीम के कप्तान पीआर श्रीजेश को बनाया गया है, जबकि उपकप्तान की जिम्मेदारी सुनील के कंधों पर होगी। श्रीजेश ने इस साल हुए चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी का कमाल दिखाया था और भारत ने पहली बार इसमें रजत पदक जीता था। ऐसे में उनसे रियो में काफी उम्मीदें हैं। हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट चैंपियन का खिताब अपने नाम करने वाले भारत के पहले पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने दोबारा रिंग में उतरने की इच्छा जताई है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप के साथ हुए मुकाबले को बहुत मुश्किल बताया, साथ ही कहा कि वो किसी से भी फाइट करने को तैयार हैं। कश्मीर के हालात पर आज भी गृहमंत्री से सीएम महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात। बीजेपी पीडीपी के डेलीगेशन ने भी रखी अपनी बात। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी राजनाथ सिंह से की चर्चा। कश्मीर पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के बयान पर भारत ने दिया करारा जवाब। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बोली, कश्मीर पाने का पाकिस्तान का ख्वाब कयामत तक नहीं होगा पूरा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर आया चीन। दक्षिण चीन सागर के बुरी द्वीप से हटाई गई मिसाइलें, अमेरिकी विमान वाहक पोत के हटने के बाद चीन ने लिया फैसला। लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा खुला पत्र। गौरक्षक दलों की हरकतों को रोकने की मांग की। दलितों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता। दयाशंकर मुद्दे पर बीजेपी कर रही है ड्रामा। जानबूझकर दिलवाया गया बयान। मायावती का बीजेपी पर पलटवार। बीजेपी एसपी के बीच मिली भगत का भी आरोप। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने बीएसपी के नेताओं के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। स्वाति सिंह आज के गवर्नर, आपको बता दें कि आज वो गवर्नर राम नाइक से भी मिलेंगी। महिला से बदसलूकी मामले में दिल्ली ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार। जामिया थाने में पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई। बिहार में बीजेपी एमएलसी चुन्ना पांडे गिरफ्तार। चलती ट्रेन में 12 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। बीजेपी ने किया पार्टी से निलंबित। दिल्ली में पराठे के लिए हत्या। सुल्तानपुरी में पहले डिलीवरी के लिए दो पक्षों में झड़प। चाकूबाजी में एक की मौत। तड़के 3 बजे की वारदात। आतंकी संगठन आईसिस ने काबुल धमाके की जिम्मेदारी ली है। आईसिस की AMAQ न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान आईसिस के 2 आत्मघाती हमलावरों ने धमाके को अंजाम दिया है। आईसिस ने कहा कि धमाके का मकसद हजारा समुदाय के लोगों को निशाना बनाना था, इसलिए भीड़भाड़ वाले इलाके में धमाके किए गए। धमाके में कम से कम 80 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 230 से ज्यादा लोग जो है घायल हो चुके हैं।
म्यूनिक में ओलंपिया मॉल में फायरिंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच सैकड़ों लोगों ने हमले में मारे गए लोगों को याद किया। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर शाम मॉल में ईरानी मूल के 18 साल के एक जर्मन ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। हमले के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार दी थी। बताया जा रहा है कि फायरिंग करने वाला लड़का अपने दोस्तों की बुलिंग का शिकार हो गया था। ब्राजील के साओ पोलो में पुलिस ने ओलंपिक मशाल छीनने की कोशिश कर रहे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के वक्त मशाल साओ पोलो शहर से गुजर रहा था, तभी शख्स ने मशाल थामे अधिकारी पर हमला कर दिया, लेकिन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 5 अगस्त से रियो डी जनेरियो में ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं। तुर्की में तख्तापलट की नाकाम कोशिश के बाद अब सरकार ने फतेहुल्लाह गुलेन से जुड़े सभी स्कूलों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस स्कूलों और संगठनों को बंद किया जा रहा है जिन पर किसी भी तरह गुलेन से जुड़े होने का शक है। हालांकि स्कूलों और संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवान में पुलिस स्टेशन में बंधक बनाए गए सभी पुलिसकर्मियों को सुरक्षित रिहा करवा दिया गया है। बंधक बनाने वालों ने विरोधी पार्टी के नेता जिरेर सेफिलियन को छोड़ने की मांग रखी थी, लेकिन मध्यस्थता के बाद बातचीत के जरिए बंधकों को रिहा करवा दिया गया है। जिरेर आंतरिक विद्रोह और अशांति फैलाने के आरोप में जेल में बंद हैं। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी है। उत्तरी चीन में 60 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 176 तक पहुंच गई है। इसके अलावा सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब तक 38,370 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बारिश की वजह से अब तक $210 मिलियन की फसल बर्बाद हो गई है। साथ है सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट। हाल ही में मुंबई के एक होटल में साथ डिनर करते देखे गए, ब्रेकअप की भी खबरें थी। करण जौहर की आने वाली फिल्म राम लखन के रीमेक में लीड रोल में होंगे रणबीर सिंह। फिल्म लव स्टोरी पर होगी बेस्ड, औपचारिक ऐलान जल्द। जिस्म के प्रमोशन में जोर शोर से जुटे हैं वरुण धवन और जॉन इब्राहिम। एक इवेंट में हेलीकॉप्टर से एंट्री करने की तैयारी। फिल्म की हीरोइन जैकलीन भी होंगी साथ। एक मैगजीन के कवर पेज पर प्रियंका चोपड़ा हॉट अदाएं दिखाती नजर आएंगी। हाल ही में किया गया फोटोशूट, ट्विटर पर पोस्ट की गई तस्वीरें। सोनाक्षी सिन्हा ने दोस्त बंटी सचदेव के साथ अफेयर की खबरों को खारिज किया है। एक इंटरव्यू में सोनाक्षी ने कहा कि सिर्फ तस्वीरों पर अटकलें लगाना ठीक नहीं।
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने ऋतिक के साथ लंदन में अपने हॉलीडे पर सफाई दी है। सुजैन ने कहा कि उन्होंने ऋतिक के साथ छुट्टियां नहीं मनाई हैं, बल्कि लंदन में इत्तेफाक से दोनों की मुलाकात हो गई थी।